नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद गुजरात में नई सरकार का गठन हुआ। भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल के साथ कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड 126 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के हर एक गांव में आरएसएस की शाखा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक मतभेद छोड़कर राष्ट्र के लिए काम करें। हमें राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना होगा। सभी मतभेदों को छोड़कर सभी नागरिकों को राष्ट्र के कल्याण के लिए अथक प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत असम दौरे पर पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद आदेश को 10 दिन तक स्थगित रखा है। चीन से जारी सैन्य तनातनी के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाते हुए नई ड्रोन यूनिट तैनात कर रहा है। अत्यधिक निगरानी क्षमता को लैस नए ड्रोन चीन सैन्य गतिविधियों पर नजर रखेगा। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के पास एक स्क्वाड्रॉन तैनात किया जाएगा, वहीं दूसरा बेड़ा पूर्व में स्थित चिकननेक सेक्टर में तैनात होगा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान विधानमंडल परिसर में बिना पास के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। परिसर और आसपास के क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लागू रहेगी। इस दौरान प्रदर्शन और भीड़ लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के 3 में से 2 उपचुनाव जीत लेने के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। वह नीतीश कुमार को लेकर बहुत आक्रामक दिख रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो पार्टी बिहार में 3 में से 1 उपचुनाव भी नहीं जीत पाई, जिसका राज्य के बाहर कोई आधार नहीं और जिसे दिल्ली के बिहारी मतदाताओं ने भी नकार दिया, वह लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पटना होकर होगा या ट्रेन दिल्ली से हावड़ा तक परिचालित की जानी है। ऐसे में वंदे भारत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए पटना जंक्शन होकर गुजरेगी। यह ट्रेन हावड़ा तक जानी है और इसी रफ्तार को देखते हुए नई पटरी बिछाई गई है। रेलवे ने 56 किलोग्राम की पटरी हटाकर सभी जगहों पर 60 किलोग्राम की पटरी बिछा दी है। भारतीय महिला टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया वो वाकई काबिलियत तारीफ है। सुपर ओवर में स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर जगह महफुल लूट ली। ऐसे में सोशल मीडिया पर महिला टीम की रोमांचक जीत पर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय क्रिकेट वुमेन्स टीम को बधाई दे रहे हैं। बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को मेहमान टीम ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 328 रन पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह से उसे 26 रन से रोमांचक जीत मिली। टीम ने सीरीज में भी 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मंधाना ने जीत के जश्न के बीच कहा कि आप सभी का स्टेडियम में आने के लिए धन्यवाद। यहाँ एकदम शानदार माहौल बना हुआ है, लोगों की भीड़ से हमारा हौसला बढ़ा हुआ है। आप सब ऐसे ही मुकाबला देखने के लिए आते रहिए और हम अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। अपने बयान के दौरान मंधाना बेहद खुशनुमा अंदाज में दिखी, जो दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय महिला टीम की यह जीत बेहद खास है। टाटा ग्रुप भारत में एप्पल को लेकर ज्यादा ही सीरियस होता नजर आ रहा है। जहां एक और टाटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने को लेकर अपनी प्लानिंग बना रहा है, वहीं दूसरी ओर एप्पल के साथ एक रिटेल डील भी कर रहा है। इस मामले से वाकिफ दो लोगों ने मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि टाटा ग्रुप का टारगेट देश भर में स्मॉल एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर खोलना है। उन्होंने कहा कि आईफोन निर्माता इसके लिए टाटा की इन्फिनिटी रिटेल के साथ गठजोड़ कर रही है, जो क्रोमा स्टोर चेन रन करती है। तेल कीमतों पर लगाम लगाने के लिए रूस ने भारत को मदद की पेशकश की है। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में इंश्योरेंस सर्विसेज और टैंकर चार्टरिंग पर बैन लगा दिया गया है। भारत इनकी इंश्योरेंस सर्विसेज और टैंकर चार्टरिंग पर निर्भर न रहे, इसके लिए रूस मदद को तैयार है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने भारत को बड़ी क्षमता वाले शिप को लीज पर देने और उसे के निर्माण में सहायता करने की पेशकश की है। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मद्य निषेध विभाग द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस कड़ी में मद्य निषेध विभाग ने शराब के खिलाफ अंतर जिला चेक पोस्ट की शुरुआत की है, जो कई जगहों पर कार्यरत भी होने लगे हैं। फिलहाल पटना जिले में 8 और मुजफ्फरपुर में 9 सहित कुल 17 पॉइंट पर चेक पोस्ट की स्थापना कर जाँच शुरू कर दी गई है।
ट्विटर ने ब्लू टिक सर्विसेज को आज लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने लिखा कि हम सोमवार से ट्विटर ब्लू फिर से शुरू कर रहे हैं। यूजर्स को वेब पर सदस्यता के लिए $8 प्रति माह और iOS पर ब्लू चेक मार्क सहित यूजर्स फीचर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए $11 प्रति माह का भुगतान करना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एडिट ट्वीट, 1080 वीडियो अपलोड, रीडर मोड और ब्लू टिक की सुविधा मिलेगी। पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज सऊद शकील ने मुल्तान टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 213 गेंदों में 94 रन बनाए। हालांकि शकील शतक से चूक गए। शकील को मार्क वुड ने आउट किया। बता दें कि शकील के आउट होने पर काफी विवाद हो गया। दरअसल शकील का कैच विकेटकीपर ओली पॉप ने लपका, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का दावा है कि शकील गलत फैसले का शिकार हुए और जब पॉप ने उनका कैच लपका था तो वो गेंद जमीन पर लग गई थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि यह अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति साफ करने की मांग की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का सरप्राइज विजिट किया। सिंधिया ने एयरपोर्ट प्रशासन को तेजी के साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस दिए जाने का आदेश दिया। उन्होंने यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। आज टीम इंडिया के तूफानी ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह का 47वां जन्मदिन है। युवराज सिंह एक ऐसा नाम है जिसे हर क्रिकेट फैन जानता है। टीम इंडिया के लिए 2007 के T20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप में के योगदान को फैंस कभी नहीं भूल सकते। युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के बूंदी जिले से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को एक बार फिर से शुरू हुई। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में उनकी बहन एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पचेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। पन्ना जिले के पवई में कांग्रेसी कार्यकर्ता मंडल की बैठक में राजा पचेरिया अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विवादित भाषण दिया। राजा पचेरिया ने कहा कि अगर हमें संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे। हालांकि बाद में उन्होंने हत्या को हराना बताकर बयान को संभालने की कोशिश की है। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए रिकॉर्ड बुकिंग हुई, जिसके बाद सोमवार को मंदिर में 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार 1,07,260 भक्तों ने सोमवार के लिए दर्शन का समय बुक किया था। भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सरकार ने अब तक लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया है और 4,600 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति कुर्क की है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने मक्का में उमराह के बाद अब माता वैष्णो देवी के मंदिर में हाजिरी लगाई है। जानकारी के मुताबिक किंग खान रविवार रात कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां हाजिरी लगाई और प्रार्थना की। क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा तंज कसते हुए चुनौती दी और कहा कि झुकेगा नहीं साला। रविवार को TMC की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। मनोज तिवारी के इस बयान की आलोचना के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दुख की बात है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है। भारत के विकास पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे मजाक के रूप में लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने अपने YouTube चैनल पर बोलते हुए कहा कि यह सेंचुरी काउंट करने का वक्त नहीं है। यह मायने नहीं रखता क्योंकि टीम को अभी टाइटल जीतने की जरूरत है। भारत को ट्रॉफी जीते सालों हो गए हैं। कोहली 100 या 200 सेंचुरी मारे, यह बात मायने नहीं रखता, बल्कि भारतीय टीम और फैंस के लिए ट्रॉफी मायने रखती है। सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रजनीकांत का क्रेज फैंस के बीच ऐसा है कि जब उनकी फिल्में लगती हैं तो सिनेमाघरों के बाहर भीड़ लग जाती है। उन्हें फैंस भगवान मानते हैं। दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक रजनीकांत का जादू लोगों पर चलता है। उनके बर्थडे पर सुबह से ही उनके चाहने वाले उनके नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। MS धोनी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी अपने एक फैन को टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। वीडियो में धोनी अपने एक फैन की सफेद टी शर्ट के पीछे ऑटोग्राफ दे रहे हैं। प्रतिष्ठित क्रिकेटर से मिलकर प्रशंसक वास्तव में रोमांचित था। धोनी अगली बार 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में दिखाई देंगे, जिसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर से होनी है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो कुछ दिनों से खूब छाया हुआ है। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी अब क्लिप को शेयर किया है, जिसे देखकर एक बार वह भी धोखा खा गया थे। दरअसल इस क्लिप में एक किशोर हवा में उड़ते अनियंत्रित विमान को हाथ से पकड़ता नजर आ रहा है। यह वीडियो कब और कहां फिल्माया गया है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे शेयर करते हुए महिंद्रा एवं महिंद्रा के चेयरमैन ने जनता को मंडे मोटिवेशन जरूर डाला है। लावरोव ने कहा कि भारत आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है, यहां तक कि नेता भी हो सकता है। भारत इस सीओ के भीतर दक्षिण एशिया में एकीकरण संरचनाओं के एक श्रृंखला का हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत एक ऐसा देश है जो केवल बनने की आकांक्षा नहीं रखता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है के सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, रविशंकर, दीपक कुमार, नुनू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अखिलेश यादव, मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि 2000 के नोट बंद कर देने चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।